बेटिंग लीगल कर दे तो और बेटर है, प्रॉपर लीगल तरीके से होना पड़ेगा, या ताकि जिस तरह अब सेल्स टैक्स लग गया है, ये टैक्स लग गया है, तो उस पर भी कोई टैक्स लग जाए, और आई थिंक गवर्नमेंट ही खोल दे तो बेटर है, खुद ही बैटिंग का खोल देगा, यहीं आगे बैठकर। वेल, इंडिया में बेटिंग को लीगल करने की वकालत करते ये हैं विंदु दारा सिंह, हु इज वन ऑफ द प्राइम एक्यूज्ड इन आईपीएल मैच फिक्सिंग कंट्रोवर्सी। आईपीएल 7 होगा और उसमें भी बैटिंग होगी और सब कुछ, यानी वापस आईपीएल होगा, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि इसको आप कैसे करेक्ट कर सकते, कैसे गवर्नमेंट इसमें इंटरफियर करके कुछ इसमें से अपना भी फायदा कर ले, जिस तरीके से बीसीसीआई का फायदा हो रहा है। विंदु ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर खुद गवर्नमेंट ही एक बैटिंग सेंटर शुरू कर दे तो और भी बेहतर होगा, बैटिंग लीगल कर दे तो और बेटर है, लेकिन उसमें भी आपको समझना पड़ेगा, रेस कोर्स में बैटिंग लीगल हुई हुई है, लेकिन वहाँ से भी मतलब वो टैक्स जो मिलना चाहिए वो फोन लगा के बाहर कर देते हैं बैटिंग, ये सब चीज़ें रोकनी पड़ेंगी और प्रॉपर लीगल तरीके से होना पड़ेगा, या ताकि जिस तरह अब सेल्स टैक्स लग गया है, ये टैक्स लग गया है, तो इस पर भी कोई टैक्स लग जाए, आई थिंक गवर्नमेंट ही खोल दे तो बेटर है, कैसे गवर्नमेंट इसमें इंटरफियर करके कुछ इसमें से अपना भी फायदा कर ले, जिस तरीके से बीसीसीआई का फायदा हो रहा है। लेकिन सरप्राइजिंगली बेटिंग को लीगल करने की जोरदार वकालत करने वाले विंदु ने साफ साफ कह दिया कि वो कभी बेटिंग नहीं करेंगे, चाहे वो लीगल भी हो जाए। नहीं करेंगे, तब भी नहीं करेंगे, लीगल हो जाएगा उस दिन भी नहीं करेंगे, कभी जिंदगी में क्रिकेट नहीं देखेंगे, ये अपन एक बार बोल चुके तो बोल चुके। वो तो हमें भी पता है विंदु, क्योंकि वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। वेल, अब ये तो आप खुद ही डिसाइड कीजिए कि मैच फिक्सिंग और बेटिंग के आरोपों में अरेस्ट होने और बेल पर बाहर आने के बाद खुद को निर्दोष बताने वाले विंदु सही कह रहे हैं या गलत। लेकिन फिलहाल तो विंदु मीडिया में खुद को इनोसेंट प्रूव करने की पूरी कोशिशों में जुट गए हैं। जिंदगी में विंदु जी कभी लाइफ में किसी के बारे में बुरा नहीं कर सकते, ना कोई रॉन्ग काम कर सकते हैं, ना किसी गलत इलीगल काम को कर सकते हैं। अपने लिए मैं गारंटी से बोल सकता हूँ, मैंने कोई गलत काम नहीं किया और इसीलिए मैं सामने खड़ा हूँ। पुलिस वाले भी सेटिस्फाइड थे वो, और आई डोंट थिंक वो लाइफ में मुझे वापस कभी बुलाएंगे भी कोई इंक्वायरी करने के लिए, उनको मेरा सब कुछ पता है। क्या है, क्या सच है और क्या झूठ, ये तो पुलिस पता कर ही रही है। फिलहाल हम आपको लिए चलते हैं विंदु की इन द पाइपलाइन फिल्म बलविंदर सिंह फेमस हो गया के सेट्स पर, जहां विंदु ने ये सारे स्टेटमेंट्स दिए। हम आपको बता दें कि ये वही फिल्म है जिससे शान और मिका करने जा रहे हैं अपने एक्टिंग डेब्यूज, लेकिन विंदु के अरेस्ट होने की वजह से ये फिल्म काफी डिले हो गई। मेरी वजह से इस फिल्म की डेटें बहुत गड़बड़ खाई है, बहुत गोची हुई है इसमें, तो मैं सबसे माफी मांगता हूँ वैसे यहाँ फिल्माया जा रहा था विंदु और राजपाल यादव का ये फनी सीन। एक्चुअली इस फिल्म के एक हॉस्पिटल सीन के लिए विंदु और उनके को स्टार राजपाल नजर आएंगे ड्रैग क्वींस के अवतार में, जहां इस शॉट के लिए फीमेल आउटफिट्स में ये दोनों स्टार्स लग रहे थे काफी कंफर्टेबल। और शूटिंग से इन स्टार्स को वक्त मिला तो इन्होंने हमसे शेयर की इस फिल्म के बारे में कुछ डिटेल्स भी। जो हमारे गेटअप्स आज हैं वो जब ऑडियंस पे जाएंगे तो ऑडियंस को दिल करेगा ये फिल्म देख, आपको एक्शन मिलेगा, कहीं पे आपको ड्रामा मिलेगा, कहीं पे आप ब्यूटीफुल म्यूजिक मिलेगा, कहीं पे आपको बहुत ब्यूटीफुल डायलॉग सुनने को मिलेंगे, जिससे आपके आपका मन अच्छा आपको लगेगा। कंप्लीट एक पारिवारिक फिल्म है। वेल, उम्मीद करते हैं कि इन सभी स्टार्स का ये जॉइंट वेंचर काफी सक्सेसफुल रहेगा और इस फिल्म की सक्सेस विंदु को अपनी लाइफ के इस कॉन्ट्रोवर्शियल फेज को भुलाने में काफी हेल्प करेगी। यू आर विशिंग देम ऑल द लक फॉर दिस वन।